नमस्कार, मैं रंजन कुमार आप लोग को इस ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमने बहुत सारा काम किया है। मैं आपको पहले वीडियो में किसी न किसी वीडियो में बताया था कि मेरे बरामदे में पे धान पड़ा हुआ था। इस धान को हमने उस बेरी के अंदर हमने डाल दिया है, पूरा उसको फुल कर दिया है। वो जो गेट लगा हुआ है उसका खिड़की जिसको बोलते हैं, हम उसको भी नहीं खोल पाएंगे, इतना पूरा फुल है। और ये जो गीला गीला मिट्टी लग रहा है, ये मिट्टी मैंने उस दिन यहाँ पर जो मिट्टी लेके आया था, मैं आप लोगों को बताया नहीं था क्या करना है। तो इस मिट्टी को हमने गीला किया है, इसमें वो धान के भूसी है, इस धान के भूसी को मिला के हमने इसमें मिलाया है। अंदर भी थोड़ा सा टूटा होता, इसमें का धान यहाँ निकाला है, इसमें से हमने बोरी में पैक कर रहा है, बोरी से पैक करके इसको हमने पैक्स में देना है। आज का अपडेट यही है, अभी तक ये चल रहा है। आज का मौसम भी ख़राब है, जितना जल्दी हो सकता है इसको हमको पैक करके या तो बरामदे में रखना पड़ेगा, नहीं तो हमको पैक्स में लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये सब बारिश आने से ख़राब हो सकता है। वो बेरी से थोड़ा सा वो भी ख़राब हो गया, उसका जो ऊपर से जो घर का छत बना है उस छत को भी बनाना है, तो अभी नहीं बनेगा, उसको बनाने में बारिश ख़त्म होगा तब कम से कम फरवरी मार्च के करीब में बनना। आज सुबह 10 बजे से लगा हूँ मैं, और सुबह से एकदम मतलब रेस्ट नहीं मिला अभी 7 बजे तक। सबसे पहले सुबह में धान मेरे बेरी में था, उसको निकाला हूँ, फिर उसमें जो पहले से मिट्टी रखा था आपने देखा भी होगा, पिछले वीडियो में बताया था कि मैं मिट्टी ढो के लेके जा रहा हूँ, उस मिट्टी को गीला करके मतलब जो घर में बच्चे लोग थे उनसे गीला करवाया, उसमें चारों तरफ से जितना जहाँ जहाँ टूटा फूटा था उसको बनवाया, अंदर से जो टूटा फूटा था उसको भी रिपेयरिंग किया मिट्टी से, गीला मिट्टी से। बेरी ही मिट्टी का है तो मिट्टी से ही बना। उसके बाद धान को बाहर निकालने के बाद उसमें बोरा में सिलाई किया, बोरा में रखा, पैक किया। अब फिर जो मेरे नया वाला इस साल का धान जो निकला था, उस धान को हमने बेरी में रख के बेरी को एकदम पैक कर दिया। फिर जो बोरी में सिलाई किया था उसको ट्रैक्टर पर लोड करके पैक्स में लेके जाके वहाँ पे पैक्स में दे दिया है। शाम को 7 बजे आने के बाद नहाया हूँ, ठंडा लग रहा था तो टोपी भी पहना हूँ, उस पर से गमछा बांध के मैं थोड़ा अपने मार्केट में आया हूँ। मार्केट हालाँकि बंद हो गया है, फिर भी मैं मार्केट में थोड़ा घूमने के लिए आया था। मेरे पापा जी आए थे, पापा जी फ़ोन किए कि आ जाओ, थोड़ा काम है चौक पे मार्केट में, तो मैं मार्केट में फाइनली मैं अपने मार्केट से घर पे आ गया हूँ। घर पे आया, खाना खा लिया, मैं सोता हूँ। आज थोड़ा ज़्यादा मेहनत हो गया जैसे लग रहा है, गला फंस गया और देह दर्द कर रहा है। सोता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज थोड़ा ज़्यादा मेहनत हो गया है जैसे लग रहा है, सुबह 7-8 बजे से लगे थे शाम तक 6 बजे तक, तो मेरे को देह दर्द कर रहा है, मैं सोता हूँ। बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।